हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सिंस ये कन्वेंशन है, इसमें भी कुछ फैक्ट्स रिलेटेड चीज़ें होंगी जो हमको याद करनी ही पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़कर फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स पर आएंगे। द फर्स्ट पॉइंट सेज इट इज़ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल अग्रीमेंट। फर्स्ट पहला है, कॉम्प्रिहेंसिव इज जब हम एक सब्जेक्ट के रिलेटेड सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, विच इज़ एवरीथिंग रिलेटेड और कनेक्टेड टू दैट सब्जेक्ट, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। ग्लोबल, पूरा वर्ल्ड इसके साथ रिलेटेड था, अग्रीमेंट था ये। अब किसके रिलेटेड था ये कन्वेंशन? रिलेटिंग टू द बायोडाइवर्सिटी। हमको पता है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायो इज लाइफ, डाइवर्सिटी इज वैरायटी। लाइफ फॉर्म्स की एक जगह पे जो वैरायटी प्रेजेंट होती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंटरनेशनल लॉ। जो एक कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड पहली बार रिकग्नाइज करी गई थी इंटरनेशनल लॉ में। नेक्स्ट इज दैट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन है इज अ कॉमन कंसर्न ऑफ ह्यूमन काइंड। ये प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल की नहीं है, बट कलेक्टिवली हमारा कॉमन कंसर्न है पूरी ह्यूमन काइंड का। एंड इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। इंटेग्रल मतलब मेजर पार्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस का। अगर एक कंट्री को डेवलप करना है तो उसको अपनी कंट्री की बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी ही पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ पार्ट। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में, कन्वेंशन वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर एट अर्थ समिट। अब सिग्नेचर मैम क्या होता है? सिग्नेचर से क्या होता है, कन्वेंशन जो होता है वो कुछ एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसपे साइन कराते हैं उन कंट्रीज का जो उनके मेंबर बनते हैं या उनकी पार्टीज का, समझ रहे हो। तो ये जो कन्वेंशन थी इसने ओपन किए थे, जो जो कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं वो इस कन्वेंशन को साइन कर सकती है। कब किया था? एट अर्थ समिट किया था इन रियो डी जेनेरो, जो एक प्लेस है, ऑन 5 जून 1992। इसने सिग्नेचर्स करना कंट्री से स्टार्ट करा था 1992 में। और ये जो कन्वेंशन है वो एंटर इंटू फोर्स स्टार्ट कब हुई थी, इम्प्लीमेंट कब हुई थी ऑफिशियली? 29 दिसंबर 1993। अब प्रेजेंटली अभी बात करें तो इस कन्वेंशन के 193 कंट्रीज मेंबर्स हैं, पार्टीज हैं, और इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। अब जो ये कन्वेंशन है, ये कंट्रीज जो जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया है, जो या इसकी पार्टीज हैं, वो लीगली बाइंड हो जाती हैं कुछ प्रोविजंस की वजह से जो कन्वेंशन प्रोवाइड करता है। जो कंट्रीज हैं वो ऑब्लाइज हो जाती हैं टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोविजन। ऑब्लाइज जब हम लॉ की तरफ से बाइंड हो जाते हैं, या जब हमने किसी को प्रॉमिस कर दिया होता है कि हम वो काम करेंगे, हम भी लीगली बाइंड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस कन्वेंशन को साइन कर दिया है और हम बाइंड क्या करने के लिए हुए हैं कि इम्प्लीमेंट करें उसके प्रोविजंस को। किसके प्रोविजंस को? जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमको दे रही है। सो दिस वॉज अबाउट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वो है ऑब्जेक्टिव्स इस कन्वेंशन के। इस कन्वेंशन के तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है नेशनल स्ट्रैटेजीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेशनल स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं ताकि हम अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाएं। द सेकेंड वन इज सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स को हम कुछ इस तरह यूज करें कि प्रेजेंट जनरेशन जो है वो तो उसको यूज कर पाए, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज को इंजॉय कर पाए। ऐसे जब हम ऐसी रिसोर्सेज को यूज करते हैं उसको हम कहते हैं हम रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स। जो हम बेनिफिट शेयर कर रहे हैं, कौन से बेनिफिट? जो बायोडाइवर्सिटी से आ रहे हैं, ऐसे बेनिफिट्स को हमको फेयरली यूज करना चाहिए और इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब रीजनेबली इम्पार्शली, पार्शल नहीं होना चाहिए जब हम उन बेनिफिट्स को शेयर कर रहे हों। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कन्वेंशन। अब हमको कुछ फीचर्स पढ़ने हैं इन कन्वेंशन के बारे में। पहला फीचर कह रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। हम इसको COP बोल सकते हैं। कन्वेंशन ऑफ पार्टीज है क्या? ये
सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्या? ये कन्वेंशन की गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडी क्या होती है? जो उस कन्वेंशन को मेनली कंट्रोल करता है वो है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। द सेकेंड पॉइंट से इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द गवर्नमेंट दैट हैव रेटिफाइड द ट्रीटी। ये कंसिस्ट करता है ऑल द गवर्नमेंट, सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट को जिन्होंने ट्रीटी को रेटिफाई किया है, जिन्होंने ट्रीटी को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है और उसको साइन किया है, उन गवर्नमेंट्स को ये कंसिस्ट करती है। अब इसका काम क्या क्या है? ये रिव्यू करती है प्रोग्रेस अंडर द कन्वेंशन। प्रोग्रेस, हमने कितना टारगेट अचीव कर लिया है उसको रिव्यू करती है इस कन्वेंशन के अंडर। द सेकेंड इज आइडेंटिफाई न्यू प्रायोरिटीज, हमारी नई प्रायोरिटीज क्या है, अभी हमको क्या मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस लग रहा है उसको आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट इज सेट्स वर्क प्लान फॉर द मेंबर्स, एक वर्क प्लान सेट करती है मेंबर्स के लिए ताकि उनको अपनी प्रोग्रेस पता लगती रहे। एंड द लास्ट वन इज अमेंडमेंट्स इन द कन्वेंशन, अगर कन्वेंशन में कोई चेंज लाने हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है ये भी वही लाएगी। अमेंडमेंट ऑफ द कन्वेंशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। द सेकेंड फीचर इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान्स, क्या इसको हम NBSAP बोल सकते हैं? हाँ मैम बिल्कुल बोल सकते हैं। ये है क्या? ये एक प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, प्रिंसिपल मतलब एक मेन इंस्ट्रूमेंट है जो इम्प्लीमेंट करता है कन्वेंशन को, इस कन्वेंशन को एट नेशनल लेवल। हर कंट्री में नेशनल लेवल पे जो इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करता है वो है ये NBSAP, एक प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है। अब ये जो कन्वेंशन है वो रिक्वायर करती है कंट्रीज को टू प्रिपेयर NBS नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड टू इंश्योर कि कंट्री मेक श्योर करे कि ये जो स्ट्रैटेजी है इज मेन स्ट्रीम्ड इनटू प्लानिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ सेक्टर्स। ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है हमने, कौन सी स्ट्रैटेजी? नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी और NBS, इसको मेन स्ट्रीम हम इसको यूज करें किन जगहों पे? उन सेक्टर्स में जहाँ पे प्लानिंग और जो उनकी एक्टिविटीज हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट दे रही है बायोडाइवर्सिटी पे। इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो दिस वॉज अबाउट नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान्स। सो इस कन्वेंशन का नेक्स्ट फीचर है नगोया प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है ये एक सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट है, सप्लीमेंट्री मतलब एक एडिशनल अग्रीमेंट है। ये प्रोवाइड करता है ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क किसके लिए, ताकि जो हमारा वन ऑफ द थ्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाए। वन ऑफ द थ्री ऑब्जेक्टिव्स मतलब तीन ऑब्जेक्टिव्स में से एक, और वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जिसको इसने इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है, वो है फॉर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। हमको पता है इक्विटेबल क्या होता है, रीजनेबल, रीजनेबल इम्पार्शल विदाउट पार्शियलिटी, जो पार्शल नहीं है उसकी तरह हमको शेयरिंग करनी चाहिए जेनेटिक रिसोर्सेज हमारे जो बायोडाइवर्सिटी में अवेलेबल है। ये जो नगोया प्रोटोकॉल है ये अडाप्ट हुआ था 29th of October 2010 में इन नगोया जापान। देयरफॉर आपको नाम समझ आ रहा है कहाँ से आया, नगोया प्रोटोकॉल। ये फोर्स में आया था या ये इम्प्लीमेंट हुआ था 12th of October 2014 में। दिस वॉज अबाउट नगोया प्रोटोकॉल। फोर्थ फीचर है इस कन्वेंशन का, वो है फिलॉसफी ऑफ सस्टेनेबल यूज एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। अब क्या हुआ, जो कन्वेंशन है वो रिमाइंड कर रहा है डिसीजन मेकर्स को कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इनफाइनाइट नहीं है, वो एक फाइनाइट क्वांटिटी में है, एक एक जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर ये एक्सटिंक्ट हो गए, अगर हमने इनको ओवर एक्सप्लॉयट किया तो ये एक्सटिंक्ट खत्म भी हो जाएंगे। तभी उन्होंने एक नई फिलॉसफी निकाली जो थी रिलेटेड टू सस्टेनेबल यूज। अब ये फिलॉसफी क्या कहता है, अब हमको पता है पास्ट कंजर्वेशन जो एफर्ट्स थे ना हमारे, कंजर्वेशन के पहले एफर्ट्स थे वो एम करते थे हम प्रोटेक्ट करें पर्टिकुलर स्पीशीज एंड हैबिटेट्स को। बट ये जो कन्वेंशन है ये रिकॉग्नाइज करती है कि हम इकोसिस्टम, स्पीशीज और जीन्स को कुछ इस तरह यूज करें कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिट तो हो लेकिन कुछ ऐसी रेट पे यूज करें कि इनका लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ना हो, लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ना हो। डिक्लाइन मतलब वीकर ना हो जाए उनकी जो क्वांटिटी है, उनका जो नंबर है वो कम ना हो जाए इस प्रकार से कि वो दोबारा से रिप्लेनिश, वो अपना नंबर गेन ना कर पाए।
दवाएं। तो मैम ठीक है, सस्टेनेबल यूज तो समझ आ गया, फिर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बेसिकली डिमांड करता है जहां पे भी थ्रेट है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी की, कोई भी ऐसी प्लेस जहां पे थ्रेट है वहां पे कहाँ किसकी थ्रेट है कि बायोडायवर्सिटी की लॉस की थ्रेट है, वहां पे तुम लैक ऑफ फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी को, लैक ऑफ हमारे पास फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी का लैक है, कमी है, उसको तुम यूज नहीं कर सकते एज अ रीजन। किसके लिए रीजन? कि तुम पोस्टपोन कर रहे हो मेजर्स टू अवॉइड और मिनिमाइज सच अ थ्रेट। ऐसी जगह जहां पे थ्रेट है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी की, वहां पे तुम लैक ऑफ फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी को यूज नहीं कर सकते एज अ रीजन कि इस रीजन की वजह से हमने पोस्टपोन किए अपने मेजर्स को, कि हमने उधर अवॉइड या मिनिमाइज कर सकते हैं उस थ्रेट ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी को। दिस इज फिलोसफी ऑफ सस्टेनेबल यूज एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सो द लास्ट फीचर ऑफ दिस कन्वेंशन इज कार्टेगना प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को हम बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये अडॉप्ट हुआ था इन जनवरी 2000। अगर इस प्रोटोकॉल की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है बायोडायवर्सिटी को किससे? फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय, ऐसे रिस्क जो जो कॉज हो रहे हैं किसकी वजह से, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग हैं बट उनके जो जीन्स हैं वो मैनिपुलेट हो गए हैं या मॉडिफाई हो गए हैं, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जिसका रिजल्ट किससे हो रहा है? फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। हमको पता है बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अंडर दिस प्रोटोकॉल कंट्रीज जो हैं वो इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बैन कर सकती हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जीन को मॉडिफाई किया गया है, अगर उनको लगता है कि साइंटिफिक एविडेंसेस इनफ नहीं है कि जो वो प्रोडक्ट है वो सेफ है, तो अंडर दिस प्रोटोकॉल वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बैन कर सकते हैं अपनी कंट्री में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।